दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप अपना खुद चेक कर सकते हो कि आपका फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी कहां हैक हुआ है, कैसे हैक हुआ है और किस प्लेटफॉर्म पे हैक हुआ है, तो आप चौंक जाओगे। लेकिन दोस्तों, इसमें चौंकने वाली बात नहीं है, ये चीज़ आप बिल्कुल कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो, इस वीडियो को पूरा देखना होगा और देख के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। सिंपल सा स्टेप है, तो वीडियो को अंत तक देखना। और इसमें मैं बता दूं कि हम इसमें जानेंगे कि कौन सी वेबसाइट पे है हमने अपनी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर डाला था और वहाँ से डेटा लीक हो गया। या दोस्तों, एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो ये हम वो चीज़ें ट्रस्ट करते हैं कि आपने कभी सुना होगा कि इस सोशल मीडिया ने इतने लोग का डेटा लीक कर दिया, या यहाँ से फेसबुक से इतना डेटा लीक हुआ, या इंस्टाग्राम से का डेटा लीक हुआ। तो उस लाखों लोगों या हज़ारों लोगों का जो डेटा लीक होता है, उसमें क्या आपका भी डेटा, ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर था या नहीं, अगर था तो कब था, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी कुंडली आपको देखने को मिल जाएगी खुद से। जी हाँ दोस्तों, इसमें किसी और की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने सिस्टम पे या अपने फ़ोन पे इजीली ये काम कर सकते हो। इसके लिए करना क्या होगा, चलिए जल्दी से हम बता देते हैं आपको। आपको आ जाना होगा एक वेबसाइट पे जिसका नाम है आई बीन पॉन्ड। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वो वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगी और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सामने कि ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर इंटरनेशनल फॉर्मेट। इंटरनेशनल फॉर्मेट में कहने का मतलब ये है कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर अगर है 98 या 99 से शुरू है तो +91 कंट्री कोड ये लगाएं और इसके आगे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल के चेक कर लें। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना चेक करता हूँ और यहाँ करते हैं पॉन्ड पे क्लिक। ये सर्च कर रहा है और यहाँ देख सकते हैं गुड न्यूज नो पॉन्ग फाउंड, मतलब कि मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर से कहाँ जहाँ भी मैंने यूज किया वहाँ से ये कभी लीक नहीं हुआ है। ये तो चलिए कॉन्टैक्ट नंबर का हो गया। चलिए एक बार हम अपने ईमेल आईडी का भी चेक करके देख लेते हैं। एंड फिर से यहाँ करते हैं पॉइंट पे क्लिक और ये सर्च कर रहा है, ये इतना टाइम ले रहा है, मुझे डाउट हो रहा है। ओह, जैसा कि आप देख सकते हो पॉन्ड, अब हमें यहाँ देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे हमारी ईमेल आईडी का डेटा लीक हुआ है। डेटा ब्रिचेज योर यू वेयर पॉन्ड, यहाँ कैनवा, और ये कब हुआ है, इन May 2019। ये दोस्तों कैनवा की वेबसाइट से कुछ डेटा लीक हुआ था 2019 मई में, उसमें मेरा ईमेल आईडी भी शामिल था। ऐसे ही आप भी चेक कर सकते हो और बड़ी आसानी से पता लगा सकते हो कि कभी आपका ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर कहीं ऐसी जगह लीक तो नहीं हुआ। और मुझे साथ में कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना और लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉच, बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक्स और टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉच।